ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का मेरा जो विषय है वो हमारा विषय इस प्रकार का है कि मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है, उसका जो ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों का स्वामी मंगल, जैसे मैंने आपको समझाया, वो बहुत क्षीण अवस्था में चल रहे थे। मंगल अभी कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे। 10 मई से लेकर 30 मई की स्थिति जो थी, सिर पटक पटक के लोग परेशान हो गए। मेष राशि वालों को मैंने स्थिति देखी है कि वो हिम्मत जागी नहीं रही थी। हम जगह जगह के परेशान समझा रहे थे कि भाई करो, उठो, जागो। वो कार्य बहुत डिले हो रहे थे। कारण था, मंगल जो है सेनापति है, मंगल साहस का प्रतीक है, मंगल हिम्मत का प्रतीक है। और वही ग्रह जब यदि कमज़ोर हो जाए, क्या होता है कि मंगल मेष में तो स्वग्रही होता है, वृश्चिक में जाके स्वग्रही हो जाता है, मकर में जाके बहुत उच्च का हो जाता है, प्रबल शक्ति संपन्न हो जाता है, लेकिन वही ग्रह चंद्र की राशि कर्क में आके क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, कार्य करने की क्षमता ही उसमें नहीं रहती है। ये ग्रह की अवस्था है। तो अब मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि विशेष तौर पर सूर्य की राशि है, प्रबल राशि है। अब यहाँ जाके उग्र हो जाएंगे मंगल, बहुत एकदम, कहाँ एकदम धीरे थे और अब बेसिकली बिल्कुल शक्ति संपन्न हो जाएंगे। और ऐसे में मेष राशि वालों को समझना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी लग्नेश हैं। मंगल लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं, अष्टम भाव का स्वामी। लग्न जो है वो आपका स्वयं फेस है, परसोना है, आपका आपकी पर्सनालिटी है। आमतौर पे तन भाव माना जाता है, शरीर माना जाता है, लग्न को ये स्वामी को फेस माना जाता है, अभिव्यक्ति करने की स्थिति मानी जाती है। वहीं अष्टम भाव जो है बंधन का भाव भी है और उनका स्वामी जो है वो पंचम भाव में चला गया। पंचम विद्या का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव और विशेष तौर पर कई प्रकार की वाणी का भाव भी उसको माना जाता है कई प्रकार से। तो वहाँ जाकर जो विशेष तौर पर है, ऐसे में कहा जाता है कि इन समस्त भावों का स्वामी जब पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कई प्रकार से कुशलता में उत्पन्न करने की, यानी मंगल पंचम में जाकर आपके कार्यों को कुशलता से करने की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न करने के योग दे देता है। ऐसे में कई प्रकार से देखा जाता है कि मंगल की जो दृष्टि है वो कई प्रकार से बड़े लाभ की स्थिति बनाती है और विशेष तौर पर पद, यश, धन, सब संपदा इत्यादि के योग बनाने की स्थिति बना देता है मंगल यहाँ पर आकर। और खास तौर पे उनका वर्चस्व इस प्रकार का हो जाता है कि उनके शत्रुओं को दबाने की शक्ति उस मंगल के कारण से आपके अंदर प्राप्त हो जाती है। और साथ साथ कई प्रकार के शुभ योग इसमें बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ पराक्रम बहुत अद्भुत रूप से बढ़ जाता है और विशेष तौर पर साहस और पराक्रम के कारण से व्यक्ति के कई कार्यों में वर्चस्व प्राप्त करने की, यानी मंगल का पदार्पण बहुत शुभ रूप से आपके लिए होने वाला है। जो 1 जुलाई की रात्रि में परिवर्तन होकर आपके लिए करीब करीब 18 अगस्त तक यहाँ चलने वाला है। तो मंगल का परिवर्तन तो बहुत शुभ हो रहा है, लेकिन समस्या कहीं और भी है। मंगल की दृष्टि कहाँ का पड़ रही है वो भी समझ लें आप। मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव में, यहाँ से समसप्तक दृष्टि रहेगी और साथ साथ मंगल की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है। मंगल की दृष्टि अष्टम चतुर्दृष्टि है, यानी उनकी अपनी राशि पड़ेगी अष्टम भाव पर, वहाँ बंधन वाला भाव है, वहाँ सप्तम दृष्टि जो है ये दिक्कत वाली दृष्टि है। सप्तम दृष्टि में इसलिए दिक्कत है कि शनि महाराज बड़ी मुश्किल से जबरदस्त कंट्रोल में आए थे आपकी राशि के अनुसार से, एकादश में भाव में आपके बैठ गए, जाकर शुभ हो गए सबसे बढ़िया, लेकिन अब आ गए शनि महाराज के सामने। शनि और मंगल का टकराव, युद्ध की स्थिति, कभी तख्ता कभी तकत, ये युद्ध की स्थिति जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। हमारे पिताजी हमें सिखाते थे जब ज्योतिष के अंदर से कहा जाता है कि शनि मंगल का टकराव जब होता है तो ये कभी तख्ता कभी तखत, यानी कभी तो गद्दी दे देगा और कभी सूली भी चढ़ा देगा। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल स्थिति होती है। तो ऐसे में इस स्थिति को बड़ी सावधानी से समझने की आवश्यकता है। ये करीब करीब जो 1.5-2 महीने तक की स्थिति रहेगी, 1.5 महीने से ऊपर तक के लिए, यानी 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक के लिए शनि मंगल का टकराव जो है समसप्तक योग है, ये बड़ा संहार कारक है, विनाशक कारक है। आमतौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जब ये शनि सप्तक का योग चलता है, संसार में प्राकृतिक आपदाओं का, आतंकवादी घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का, चोट लगने का, अशांति का, वैमनस्य का, दंगों का, राज्य सत्ता में परिवर्तन का, कई प्रकार के उठापटक का, भयावह उठापटक का योग बन जाता है, अग्निकांडों का योग बन जाता है। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत होती है। जब भी शनि मंगल का टकराव अब करीब करीब होता है तो ऐसे में उठापटक भयावह स्थिति में देखने को मिला ही है पूरे संसार के अंदर। जो लोग बहुत रिस्क वाले काम कर रहे हैं, देखिए आपकी राशि के अनुसार से लाभ वाले स्थान में शनि चल रहे हैं, बुद्धि वाले स्थान में यहाँ पर ये चल रहे हैं, तो बुद्धि में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं ये दोनों का वैमनस्य जो है, तो यानी दिखाई कुछ और दे रहा है, काम कुछ और कर दें। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। तो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं कि इस समसप्तक योग का इलाज आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक बात और भी हो रही है,
शुक्र भी मंगल के साथ आने के योग बना रहे हैं। शुक्र विशेष तौर पर 5 तारीख को, अभी तो पहले चल रहे थे शुक्र मंगल के साथ ही कमजोर कर रखा था, अब शुक्र पुनः 5 जुलाई को मंगल के साथ आके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे और ये रहेंगे करीब करीब 7 अगस्त तक। इसी में शुक्र वक्री भी होंगे, 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो जाएंगे। शुक्र प्रतीक है, मंगल प्रतीक है साहत का, सात्विकता का, उदय का, विश्वास का, पराक्रम का। लेकिन शुक्र जो है वो कूटनीति, व्यभिचार, तामसिकता, सेक्स का, संसार में उठापटक का, चातुर्य का, ये डिप्लोमेसी का, इन सब का जो मंगल के साथ युति बना देगा, तो ये विशेष तौर पर पति पत्नी में, स्त्री पुरुष में कहीं ना कहीं असमानता के योग दे देगा और वो उथल पुथल मचाने की स्थिति बना सकता है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, इसका आपको ध्यान से उपाय करने की ज़रूरत है। हमने इसका उपाय बहुत सोचा क्या करें, क्योंकि शनि मंगल का जो टकराव है वो चोट लगने के, एक्सीडेंट लगने के योग देता है। तो उसके लिए हमने सोचा कि सबसे बढ़िया उपाय क्या किया जाए, तो मंगल के मंत्र का जप, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सैं भौमाय नमः, इसका 5 बार नित्य प्रति जप कर लें, 10 बार 11 बार नित्य प्रति जप कर लें तो बहुत शुभ होगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। अन्न का दान कर दीजिए, ये बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके साथ साथ शनि मंगल का जो टकराव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा, हमने ज्ञान को समझने का प्रयास किया, बहुत अध्ययन करने के समझ में आया कि कौन है मंगल। मंगल है शिव के अंश, और योगा योग के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है। आप समझें कि कितना सुंदर योग बन रहा है, कैसे आप समझें, कैसे आप ठीक कर सकते हैं। प्रकृति में हर चीज का कुछ ना कुछ रास्ता बना के पहले से रखा होता है। अभी देवशयनी एकादशी गई है, देवशयनी एकादशी के दिन क्या होता है कि भगवान विष्णु पालक कहे जाते हैं, कि पूरे संसार का पालन वही करते हैं। लेकिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होता है, देवशयन हो जाता है, भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने के लिए चले जाते हैं 4 महीने के लिए, और देव उठनी एकादशी बोलते हैं। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है कि समस्त राज्य सत्ता, संसार की सत्ता शिव के हाथों में होती है और शिव हैं भोलेनाथ। और उसके बाद एकदम आ जाता है शिव का प्रसन्न करने वाला महीना सावन, लोग अभिषेक करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और उनके आशीर्वाद से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाते हैं। इस बार प्राकृतिक घटनाओं से कैसा हो रहा है कि शिव का महीना ही 2 महीने का हो गया, सावन का महीना ही 2 महीने का हो गया है, लंब का महीना, लौंद का महीना, पुरुषोत्तम मास आ गया है सावन के अंदर ही। तो सावन जो है वो बहुत सुंदर तरीके से 60 दिन का हो गया है, करीब 2 महीने चलेगा, और पूरा ये जो शनि मंगल का टकराव है उसी में निकल जाएगा। आप समझे मंगल है कौन, मंगल शिव ही है। कथा सुनाता हूं मैं, चिंता ना करें, कथाओं के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब विशेष तौर पर भगवती सती ने शिव से कहा कि मुझे पिता के यज्ञ, दक्ष के यज्ञ में जाना है, तो भगवान शिव ने मना किया, आमंत्रित नहीं है, नहीं जाना चाहिए, भगवती जबरदस्ती अड़ गई, नहीं जाना ही जाना है मुझको। भगवान शिव शांत हुए और उन्होंने कहा जो आपकी इच्छा है वो करें। भगवती वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ शिव का अपमान होता है और शिव भगवती रुष्ट होकर, परेशान होकर अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर देती हैं, सती हो जाती हैं। शिव को पता चलता है, शिव क्रोधित होते हैं और कहा जाता है कि तांडव स्वरूप में, शिव क्रोधी स्वरूप में 3रे नेत्र खोलते हैं और वो उनके पसीने से, पृथ्वी पर पसीना पड़ता है, वीरभद्र उत्पन्न होते हैं और वो जाके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं, सती के शरीर को उठाकर भगवान शिव के पास लेके आते हैं। भगवान शिव उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ आज से तुम आकाश मार्ग में स्थित होगे, मंगल के रूप में, वही है मंगल। तो शिव ही मंगल है, तो आप समझ लें शिव की शक्ति ही मंगल है, तो उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। सावन के महीने में सुंदर तरीके से हमने विवेकानंद योग आश्रम में क्या किया, सुंदर तरीके से रुद्र महायज्ञ, रुद्राभिषेक का सुंदर आयोजन किया है 60 दिन के लिए। 2 महीने तक ये रुद्राभिषेक चलेगा, दूध से, दही से, तेल से, घी से, भस्म से, इच्छुरस से, और अनेक प्रकार के सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी के संपूर्ण पाठ करते हुए ये पूरा नमक चमक के साथ भगवान शिव के साधारण पाठ से और विभिन्न प्रकार से पूरा 1 महीने के लिए रुद्राभिषेक सुंदर का हमने आयोजन किया है। आपकी राशि के अनुसार से चीनी मिले हुए जल से यदि आप भगवान का अभिषेक करें नित्य प्रति, तो आपके कनिष्ठ ग्रहों को दूर करने के लिए ये सुंदर शिव की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बनेगा। जो कष्ट होने के योग हैं, एक्सीडेंट होने के योग हैं, चोट लगने के योग हैं, इन सबसे भी रक्षा होगी। तो आप आशा करते हैं इस सब सिद्धांत को समझते हुए, आशा करते हैं इस सिद्धांत को समझेंगे, लाभ लेंगे। और जो लोग इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं विवेकानंद योगाश्रम में, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। नंबर्स आपके सामने फ़ोन पर हैं, आप यदि नहीं आ पा रहे हैं तो आपके नाम से पंडितगण भी इस यज्ञ में भाग लेकर व्यवस्था बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप इस सिद्धांत को समझेंगे, और नहीं तो घर बैठे बैठे नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान की व्यवस्था करें और उन पर विशेष तौर पर जल से, उसमें थोड़ा चीनी मिलाकर और उससे कुशोदक से भगवान का अभिषेक करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा, समस्त अनिष्ट दूर होंगे, शुभ होगा, कल्याण होगा। जो भक्त होगा महाकाल का क्या कर लेगा, उसका काल भी, महाकाल का भक्त बने, कष्ट दूर करने के लिए सुंदर योग बनाए,
आपके कष्ट दूर होंगे। नमस्कार।